बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर हैं एक नई वीडियो के साथ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों भाइयों साथियों को अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज भी ख़ास तौर पे जो वादा किया था कि फाइनेंस डिवीज़न से लेटेस्ट अपडेट दूंगा आपको, बहुत से साथी नोटिफिकेशन के इंतज़ार में होंगे। लेटेस्ट अपडेट ये है इस अपग्रेडेशन के हवाले से, क्योंकि बहुत से हमारे मेजर इश्यूज़ जो हैं, तनख्वाहों में तफरीक का इशू, हाउस रेंट, मेडिकल कन्वेंस अलाउंस, वो जहरी बात है मोखर किया गया है। हमारी अपनी उसके अंदर कोताहियाँ हैं मेरे समेत, कि शायद हम उस तरह से आपको मैसेज कन्वे नहीं कर सके, हमारी तादाद उस तरह से मेंटेन नहीं रही। बट जो चीज़ें कमिटेड हुई थी उस हवाले से, जो प्राइम मिनिस्टर ने भी अप्रूवल दी थी, उसमें आपको पता होगा कि आखिरी पैरा डाला था प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के मुलाजमीन का। अभी जो सुनने में आ रहा है, जो बताया गया है कि इसको रिव्यू करने के लिए भेज रहे हैं, कि उसमें बहुत से फिर लिटिगेशन ओपन हो जाएगी कि डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस जो नहीं ले रहे वो भी बहुत से मुलाजमीन हैं, तो लिहाजा इस चीज़ को रिव्यू किया जाए। तो हमने उनको यही कहा है कि भाई जिनको मिल गए अच्छी बात है, आप बाकियों को भी उसके हवाले से दें, बट फिल फॉर नोटिफिकेशन करें। मगर इसरार यही है, ये फौरी तौर पे जो है आज का उन्होंने वादा किया है कि पीएम ऑफिस जाएगी, जो भी चीज़ होगी उसमें शेयर की जाएगी। और जो दीगर चीज़ें थी जिसमें यूडीसी का 14 पर्क्स एंड प्रिविलेजेस का, वो उन्होंने कहा है कि इस पर या तो एनोमली कमेटी के अंदर या हम बाद में इसको देखेंगे। बहरहाल घोड़ा भी इधर मैदान भी इधर, फिलहाल जो चीज़ अप्रूव हुई है उसका नोटिफिकेशन जो है हमें फौरी तौर पे आता है, तो अगला लाए अमल इंशाल्लाह ताला हम देंगे। लेटेस्ट आज की डेट तक यही थी, बाकी तमाम डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट डाक मुलाजमीन, आपको पता है कि लॉ डिवीजन ने भी उसको एडवाइस दे दी है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली और उसकी डायरेक्शन के ऊपर आप करें, और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द साथी रेगुलराइज भी होना शुरू हो जाएंगे। प्राइम फोकस आपका हमारा जो है अपग्रेडेशन के साथ साथ तनख्वाहों की तफरीक, हाउस रेंट और मेडिकल कन्वेंस अलाउंस है। सिर्फ एक ही चीज़ कि अब नहीं तो कब, और हम या मैं नहीं तो कौन, जो समझता है कि बेहतर तौर पे लीड कर सकता है बिल्कुल सामने आए। मैं वैसे भी ऑक्यूपाइड हूँ अपने ऑफिस के अंदर, और जो मुलाजमीन की सपोर्ट चाहिए कि जैसे भी है सामने आए, आके लीड करें, मुलाजमीन को लेके आए, हम साथ खड़े होंगे। आपके लिए ये मैसेज है कि इत्तेफाक इत्तेहाद का आपने दामन नहीं छोड़ना, और कोई भी मुलाजमीन के हकूक़ के लिए बात करता है, मैं हूँ या कोई और है, आए एक तादाद लेके आए। ये नहीं हो सकता कि अकेला को फलसफा झाड़े और उसके पीछे सारे लोग खड़े हो जाएं। आप आएँ एक तादाद लेके आएँ, 100-200 बंदा आप लेके आते हैं तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करके हम आपके साथ करेंगे निगोसिएशन, आप करें। आप समझते हैं कि यू आर द बेटर निगोसिएटर, तो हम आपको मौका देंगे कोई भी वो साथी है। बट एक चीज़ बहुत क्लियर है कि मुलाजमीन के हकूक़ पे समझौता नहीं होगा। इस मैसेज को शेयर भी कर दें, लेटेस्ट जो भी अपडेट होगी शेयर करेंगे। और उन्होंने भेजा है तो फिर मैंने उसमें ये कहा है कि आप अगर करना चाह रहे हैं तो डिफेंस पेड के मुलाजमीन का ख़ास तौर पे मैंने रिक्वेस्ट की है कि इसका भी जिक्र करें। लेट सी, डॉक्यूमेंट कोई ना कोई सामने आएगा तो फिर पता चलेगा, क्योंकि अलमिया ये है कि कहा कुछ जाता है, साइन कुछ किए जाते हैं, मगर जब अमल दरामद करने की बारी आती है तो वो टोटली चीज़ें डिफरेंट होती है। ये मुलाजमीन के साथ आज से नहीं, हमेशा से होता आ रहा है, मगर फिर भी बहुत हद तक हमने फॉलो अप्स रख के, चीज़ों के ऊपर नज़र रख के जो अपडेट रखे हुए हैं, इंशाल्लाह ताला आपके हकूक़ पे समझौता नहीं होगा। थैंक यू सो मच जी।